हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जिसमें आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में जुलाई अगस्त की 6 सबसे बड़ी नौकरियां, सरकारी नौकरियां जिनके फॉर्म भरना ना भूलें। काफ़ी पोस्ट हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में काफ़ी पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। एज अ थंबनेल में हमने 6 लिखा है, बाकी 6 से भी ज़्यादा आपको बताने वाले हैं पोस्ट और किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर वैकेंसी है, कौन से स्टेट में है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, किस किस डिपार्टमेंट में है, किस किस पोस्ट पर है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो कि किसके लिए, महिलाओं के लिए भी होने वाली है, पुरुष के लिए भी होने वाली है, और जिसमें आपको कम से कम 30,000 रुपये से तो कम से कम सैलरी आपको देखने को मिलेगी, और सभी की सैलरी भी हम बताएंगे और हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको वीडियो को देखनी है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ, जितने भी 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट्स या उससे भी ऊपर के कैंडिडेट्स हैं, तो उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको सभी के लिए इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हम आपको दोनों चीज़ किस क्लियर करेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो हर एक चीज़ वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आपको करना है, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल भविष्य में जो भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वैकेंसी कवर करता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे कि आप फिल वगैरह करके आप अपना सिलेक्शन वगैरह ले सकते हो। हमारा चैनल ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जिसमें मिनिमम कॉम्पिटिशन होता है और ना के बराबर किसी को, लोगों को बहुत कम पता होता है, तो आप उसमें फिल कर सकते हो। और आज भी आपको ऐसी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि बहुत कम लोगों को पता होगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और बात करते हैं, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशंस की आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आपको या फिर फॉर्म वगैरह चाहिए जैसे ऑफलाइन वगैरह है, तो उसके आप पीडीएफ या फॉर्म वगैरह आपको चाहिए, तो आपको अगर ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बाकी ये सभी वैकेंसी की 7 से 8 पेज की ये पीडीएफ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से आप हर एक वैकेंसी की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। जिसके लिए भी आप प्रेफरेबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैकेंसी की, जो कि डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर की न्यू दिल्ली की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि आपका इंटरव्यू कब कराया जाएगा, किस डेट को, 25 जुलाई को आपका इंटरव्यू कराया जाएगा 10 AM पर। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पोस्ट ऑलरेडी आउट है और इसके लिए आप फिल कर सकते हो। ये वेबसाइट है, इस पे डिटेल एलिजिबिलिटी आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी एकदम फटाफट मैं बता देता हूँ आपको, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 22,000 रुपये की आपकी फिक्स सैलरी रखी गई है, जिसमें आपके पास बीई बीटेक, आपके पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह आपने करी है, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन दे सकते हैं। 25 जुलाई पर आपका इसका इंटरव्यू है, वो भी 10 AM पर। इसमें आपकी सैलरी फिक्स है 22,000 रुपये। न्यू दिल्ली की जॉब लोकेशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इंटरव्यू डेट एंड टाइम इसके लिए सब मेंशन है। बाकी आप वेबसाइट मैंने आपको बता दी, इस पर आप जाके विजिट कर सकते हो। कोई परेशानी, समस्या है किसी भी पोस्ट रिलेटेड, तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया, व्हाट्सएप पर तो आपको पीडीएफ मिली जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जहाँ भी आप जाओ मिली जाएगी। किसी भी पोस्ट रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो, तो आप हमारे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे और आपको सारा सॉल्व करेंगे आपकी जो भी क्वेरी वगैरह होगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ हमारी सेकंड वैकेंसी है, जो कि फोर्ड एयरक्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अलीगढ़ की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हो, ये जितनी भी सारी वैकेंसी हैं ये वैलिड हैं, ये निकली हुई है, हम कोई बना के नहीं लेके आए इस वैकेंसी को, ये ऑलरेडी आउट है, बहुत कम लोगों को पता है। तो हमारा, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा चैनल ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जिसमें बहुत कम लोगों को पता तो होता है, तो आप उसमें फिल करके सिलेक्शन ले सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि डेली अपडेट्स मिलें आपको। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने का आपका ये बेनिफिट है, आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे वहाँ पर। जैसे कि हम बात करते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर की, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें 12वीं पास में आ गया और हिंदी इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी 30 और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में। Level 3 की सैलरी है, मैक्सिमम 40 साल तक आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लैब असिस्टेंट की, 2 पोस्ट है जिस पर वैकेंसी है, 10वीं पास में आ गए और 12वीं पास के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा वगैरह भी है, तो आपके लिए अच्छी बात है। और Level 2 की सैलरी देखने को मिलेगी, 43 साल OBC और 45 साल SC के लिए। लैब अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, जिसमें आपको मिडिल क्लास पास मांगा गया, मिडिल पास, और इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया इस फील्ड से रिलेटेड। Level 1 की आपकी सैलरी देखने को मिलेगी और एज लिमिट तो मैंने आपको बताई दी ना। जैसे कि इसकी लास्ट डेट की हम बात करें, तो आपकी इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 22 जुलाई 2022, जैसा कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में मेंशन है, 22 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है इस वैकेंसी की। जितने भी 12th पास 10th पास कैंडिडेट्स हैं, तो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हो तो।
कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो पूछ सकते हो। नाउ बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी जो कि गुवाहाटी में निकली हुई है। गुवाहाटी में एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2022 TR NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी है। इसके लिए आपको आवेदन देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पोस्ट पर, किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपको ग्रेजुएट विद लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन दे सकते हो। 3 पोस्ट पर ये वैकेंसी है टोटल। नेक्स्ट है हमारी सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस की, इसमें आपको ग्रेजुएट मांगा है बीकॉम के साथ, ट्रेनिंग वगैरह आनी चाहिए कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड, 3 से 6 महीने का आपने करा हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस पोस्ट रिलेटेड तो आप आवेदन दे सकते हो। नाउ पोस्ट है हमारी सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपने डिप्लोमा ले रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ तो आवेदन दे सकते हो। 9 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की, जिसमें आपको मास्टर इन हिंदी, आपने मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट विद ग्रेजुएशन लेवल, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी इस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सबसे अच्छी पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट HR कह सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन हो, आपने ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपको टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे कि हम बात करते हैं इसकी स्टार्ट डेट लास्ट डेट, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में बता दी। इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। 30 जून से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 बजे से और लास्ट डेट की हम बात करें तो 29 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी इन सभी वैकेंसी से जो मैंने अभी बताई हैं कितनी भी, तो उनसे कोई भी प्रकार की कोई भी परेशानी समस्या हो, आपको अप्लाई प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, तो आपको क्या करना है व्हाट्सएप पर, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेगा। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो एडमिन को। और आपको करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, ताकि अगर हर एक भी कैंडिडेट्स अपने एक दोस्त को शेयर करेगा तो हमारे लिए बहुत हेल्प होगी। तो आप जरूर करें ये सभी चीज़ें और लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि हमारी जो वीडियो हो रैंक कर सके हमारी सर्च इंजन में। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नेक्स्ट वैकेंसी हमारी खड़की छावनी परिषद कैंटोनमेंट बोर्ड पुणे की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए आपको किस तरीके से ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और मैं आपको बताने वाला हूँ किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी स्टार्ट डेट 9 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट की हम बात करें तो आपकी दिख रही होगी, आपको मैं दिखाता हूँ नोटिफिकेशन में, 15 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप के थ्रू आपको सेंड करना पड़ेगा। कोई भी परेशानी समस्या हो अप्लाई प्रोसेस से रिलेटेड पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी अगर किस पोस्ट का अप्लाई प्रोसेस आप डिटेल में चाहते हो तो आप हमारे को कमेंट में लिख सकते हो कि सर इसका अप्लाई प्रोसेस लेके आओ जल्द से जल्द, तो हम वीडियो आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से बना देंगे। असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट, जिसमें 3 पोस्ट पर वैकेंसी है, 3 साल का डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है BE BTech तो आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए 1 ही पोस्ट है, जिसमें आपने ITI वगैरह कर रखा हो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, जिसमें आपको 2 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, ITI इलेक्ट्रीशियन अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए आपके 8 पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसने भी BSc नर्सिंग कर रखा है कि जितनी भी गर्ल्स ने या फिर व्हाटएवर, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से और आपके लिए 8 पोस्ट पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए ऑफलाइन आवेदन देना पड़ेगा, 15 अगस्त लास्ट डेट है। एड्रेस इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर सेंड करना है। कोई इसकी ये वेबसाइट दिख रही है, इस पर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई भी परेशानी समस्या हो किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, उस वैकेंसी का नाम और उस पोस्ट से रिलेटेड आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो एडमिन को, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी खड़की छावनी परिषद, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड अगेन है, पुणे की ही निकलने वाली है, ये ऑलरेडी आउट है जो कि आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें भी आपको किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, एनवेलप के थ्रू ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट लास्ट डेट की मैं बात करूं, 9 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट की हम बात करें तो 16 अगस्त आपकी रहने वाली है। बाकी इन सभी जो इलाके हैं इनके लिए आपको थोड़ी छूट मिलती है 29 अगस्त तक की, बाकी सभी के लिए 16 अगस्त ही लास्ट डेट है। वैकेंसी की हम बात करें, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, आपने 12th पास करी हो, डिप्लोमा हो सैनिटरी इंस्पेक्टर का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, डिजायर्ड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट मांगा है लेकिन कंपलसरी नहीं है तो आपके पास है तो और अच्छी बात है। ये भी आपको इसकी वेबसाइट है, इस पर सब चीज़ इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। एड्रेस इस तरीके से दिख ही रहा होगा, आपको इस पर सेंड करना है ऑफलाइन माध्यम से एनवेलप के थ्रू।
अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट, जो कि इसमें UDC की पोस्ट रहने वाली है। तो आपको काफ़ी कैंडिडेट्स वेट करते हैं UDC की पोस्ट का, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जो कि चेन्नई में आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन देना पड़ेगा, एंड ये जैसा कि आप देख सकते हो, पहली पोस्ट आपकी रिसर्च ऑफिसर की पैथोलॉजी की, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, लेवल 10 की सैलरी, पुडुचेरी में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है, मैक्सिमम एज 40 साल मांगे, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, जैसा कि मैंने बताया था, एक पोस्ट जनरल के लिए, एक OBC के लिए, लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है, एक चेन्नई में रहने वाली है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एक पुडुचेरी में, मैक्सिमम एज 27 साल देखने को मिलेगी। इसकी लास्ट डेट आपको किस तरीके से आवेदन देने हैं, ऑफलाइन माध्यम जैसे मैंने बोल दिया था आपको, और 60 डेज मतलब 60 दिन का आपको समय मिला है। स्टार्ट डेट इसकी 9 जुलाई से हुई है, तो आप 9 जुलाई से अपने 60 डेज कैलकुलेट कर सकते हो हर पोस्ट रिलेटेड। और कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो मैसेज कर सकते हो एडमिन को व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होके। तो हम बात करते हैं अपनी लास्ट पोस्ट की, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 6 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये बेंगलुरु में आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट नोटिस ऑलरेडी आउट है, वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हो, और सारी वैकेंसी है सारी वैलिड है। मैंने आपको जैसे ऑलरेडी स्टार्टेड में भी कहा था, बीच में भी कहा, जो हमारा चैनल है ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जिसमें आपको लो लेवल का कॉम्पिटिशन किसी को पता भी नहीं होती। नाउ जैसा कि आपको बता देता हूँ कि एडवर्टीजमेंट नंबर आपने देख ही लिया होगा, वर्क असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें वर्क असिस्टेंट की एक जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 28 साल, लेवल 1 की सैलरी जॉब रहने वाली है, जिसमें आपको इतनी तनख्वाह देखने को मिलेगी 30,789 रुपये। और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की या फिर असिस्टेंट कह सकते हो, इसमें आपकी BWD की पोस्ट है, 33 मैक्सिमम एज मांगे हैं, और इसमें आपकी सैलरी फिक्स तय की गई है 48,500। इसमें सिर्फ PWD के लिए है और कोई अप्लाई ना करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करने हैं, वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, इस तरीके से दिख रही होगी वेबसाइट, और आवेदन दे सकते हो। स्टार्ट डेट मैंने 9 जुलाई से मैंने कहा, जितनी भी वैकेंसी मैंने बताई है 9 जुलाई से सभी के फॉर्म स्टार्ट हैं। लास्ट डेट की हम बात करें तो इसकी जो 30 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ये सभी मैंने वैकेंसी ज़्यादा कवर करी, 6 से भी ज़्यादा वैकेंसी कवर करी ऑलमोस्ट। ना हम बात करते हैं आपको क्या करना है, मेन काम जो है आपका, आप सभी के लिए इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी हम लाते रहते हैं, तो आपको करना है लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और सभी से मेरा यही निवेदन है कि आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, कम से कम एक दोस्त के साथ सभी शेयर करोगे तो हमारी बहुत हेल्प होने वाली है। और आपको कोई भी सजेशन वगैरह देना हो हमारे चैनल से रिलेटेड, कुछ भी आपको कमी वगैरह लगती हो तो सजेशन दे सकते हो, ये आपको करना चाहिए अमेंडमेंट्स अपने चैनल पे, और कोई भी आपको सजेशन हो तो वो तो देना ही देना। और आपको करना है अच्छे अच्छे कमेंट लिख के जाया करो कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपका जो भी है रिस्पॉन्स हम आपको मिल सके, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और अच्छी अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए लाते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक ज़रूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।